देश पंजाब ते पंजाबी दे वारसो फगवाड़े वाले ठंडे जे बैठे हैं यार। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। ऐ नहीं सवाद होना, आवाज बठिंडे तक जानी चाहिए है, क्योंकि बठिंडे तो आया मैं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। पंजाबियो अज जिस तरह पूरा पंजाब आ जिहड़ा सड़कां ते है, घरां तों बाहर निकलिया होया है। क्यों निकलिया होया? क्योंकि मसला बड़ा गंभीर है। हाले भी मैनूं लगदा कि पूरे पंजाब नूं उस तरीके नाल नहीं पता लग्या जिवें पता लगना चाहीदा है। असीं हर स्टेज ते गल बोलदे आ, हर बुलारे कोलों सुणदे आ कि मसला पंजाब दे वजूद दा, मसला पंजाब दी होण दा। हिलजुल जी ना करो यार, फिर स्वाद नहीं आउंदा। बह जाओ जिथे मेरा भीर बैठना टेके, एक थां बह जाओ। तां अज पंजाब आ जिहड़ा मैनूं लगदा है कि लड़ाई की शुरुआत कर चुके है, तो लड़ाई लंबी जानी है। साढ़े मालवे वल बहुत ज्यादा जागे हुए ने लोग, थोड़ा दुआबे बनी घट है। कई बार आने का थोड़े नाल गल्लां बातां करन दा समा मिलिया तो दुआबे वाले हले मैनूं लगदा उस तरीके ना पता नहीं समझ नहीं हैगी, पता नहीं घरों नहीं निकलना चाहते, पता नहीं की कारण। पर शहर का प्रोग्राम है फगवाड़े का, शहर के हिसाब के नाल मैं लगता कि यह भी ठीक है कि जिमें जिमें सुखप्रीत उद्योग जी ने कहा कि सहरियां नूं नाल लेके चलना है, क्योंकि मसला भरावो इत्थे कल्ले किसानां दा नहीं आ, मसला कल्ले मजदूरां दा नहीं आ, मसला हर दुकानदार दा, हर आड़तके दा, हर व्यापारी दा मसला है। ता इस करके मसला हर एक इंसान की रोजी रोटी का, क्योंकि हर इंसान के मूँह के विचों एक रोटी खोई जा रही है, पंजाब नूं मारिया जा रहा। जिस करके अज हर इंसान का, चाहे वह किसी भी धर्म जाति किसी भी कारोबार नाल संबंध रखता होवे, उहदा फर्ज बनता है कि इस लड़ाई के बढ़ चढ़ के अपना योगदान पावे। सो आपां एक होर गल जिहड़ी मैं करनी चाहुंदा है कि पिछे जे ऐसे दुआबे एरिए दे विच आ बीजेपी जिहड़े आर एस एस वाले संघी ने जिहड़े, इन्हां ने बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेदकर नूं मोहरा बना के उन्होंने एक दलित पत्ता खेडण की कोशिश की सी। मैं देखिया कि कई थाई इन्हां ने बाबा साहब के बुत दे उत्ते जिहड़े फुल चढ़ाने की कोशिश की गई, इन्हों का विरोध भी होया। पर यार कमाल की गल देखो, मैं कहना चाहना पता नहीं वह किहड़े लोग ने, है सारिया च ही है, खैर वह कल्ले तुहाडे च नहीं हैगे, वह सारिया च ही हैगे आ। वह सिखां दे विच भी आपां देखदे आ कि आर एस एस दे अगे लगे हुए ने, उन्हां दे नुमाइंदे बने हुए ने, उन्हां दी नुमाइंदगी कर रहे। मैं कल एक दी इंटरव्यू सुन रहा सीगा बेदी बेदी करके, जिहड़े अमृतसर तों ने, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਦਲਤਾਂ ਦੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ, ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ, जो मगर नीतियां घड़ियां जा रही ने, जो इस मुल्क दे विच लागू करने की कोशिशां हो रही ने, वह विचारधारा तो आर एस एस दी है। भरावो मैं हालात देखो पूरे मुल्क दे कि जेड़े मुल्क दे विच दलित बच्चियां नाल रेप करके साड़िया जाता होवे, एक आम इंसान नूं इत्थे पढ़ाई तो भी दूर किया जा रहा, गरीबां नूं जिहड़ी सिक्ख्या तो वांझा किया जा रहा। नवीं जिहड़ी एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, नवी सिक्ख्या नीति 2020 जिहड़ी बीजेपी लैके आई, उहनू पढ़ के देखियो, उहदा खरड़ा पढ़ के देखियो कि किवें आम लोकां कोलों, गरीब लोकां कोलों विद्या दूर कर दित्ती जाणी है। राखवांकरण खत्म किया जा रहा है, प्राइवेटकरण किया जा रहा सारे पासे दा। तां दूजे पासे देखो कि मनुस्मृति नूं लागू होण दी गल हो रही है। वह मनुस्मृति, मैं टी शर्टां पाईआं देखदा मुंडिआं दे,
डॉक्टर साहब दी फोटोवां लगियां होईयां ने, पता भी मनु सिमरती सब तो पहला किने साड़ी सी 1927 दे विच। सब तो पहला संविधान यह लागू करन नूं फिरदे आ बाबा साहब दे संविधान नूं खत्म करके, तां सब तो पहला यह मनु सिमरती उन्होंने अपने हत्थां दे नाल साड़ी सी। पर भरावो आ सानूं समझण दी लोड़ हैगी है कि मैं भी हुण पढ़ना शुरू किया, तुसीं सारयां ने शायद वो किताब पढ़ी होनी है, वह मनु सिमरती दे विच ही लए हुए सारियां गल्लां बातां ने भारतीय लोग नीच किवें बने। प्रोफेसर गुरनाम सिंह की किताब है, किन्ने किन्ने पढ़ी है बई, मैं हर थां हथ जे खड़े करा हुंदा 5-7 ही हथ खड़े हुंदे हुंदे आ। सानू पता फिर किवें लगेगा कि मनु सिमृति मनु संविधान है की है, इहदे च की कुछ है, किवें लागू करना चाहुंदे आ। तां मैं 2-4 गल्लां सांझियां भी करदा कि हालात भरावो इहो जे हुंदे सीगे उहनां समयां दे विच, एक दलित लोगों का शूदर लोगों के नाल की हालात हुंदे सी कि तुसीं जे बाहर निकलना है थोड़े सिर दे उत्ते कां दा खंभ लग्या होना चाहिए, तुसी रौला पाओ कि असी बाहर जा रहे हैं, असी बाहर निकल रहे हैं, थोड़े गल दे विच कुज्जा पाया हुंदा है सूदर लोगों दे कि भाई जे तुसी थुकना है धरती ते नहीं थुकना, तुसी कुज्जे च थुकना है। लक दे नाल झाड़ू बन्निया जांदा सी कि थोड़ियां पैड़ां दे निशान ने जिहड़े उह धरती ते नहीं पैणे चाहीदे, आ हालात हुंदे सी। आम तौर ते कहावत बनी है कि मजहबी सिख ते गोह दुपहरे बाहर निकलते हैं, वह क्यों सी, क्योंकि 12 बजे तो 3 बजे तक का समा हुंदा सी कि 12 तो 3 तक जिहड़े शूदर लोग ने वह बाहर निकल सकते, क्योंकि परछावां जिहड़ा उह ऐन बचाले खड़ा हुंदा, लम्मा नहीं होया हुंदा। यह हालात बने, तुसीं देखो अज भी पिंडां दे हालात यह ने, जिन्ने अज दलित लोगों के घर ने छिपदे वल है कि नहीं है। आ काकड़ कलां वाले मेरे साथी बैठे ने जलंधर जिले वाले, तो इन्हां दे पिंड भी रौला पिया, असीं भी गए, एक सरपंच वल्लों यह मता पा दित्ता गया कि दलित भाईचारे का समाजिक बाइकाट किया जा रहा। मैं एक कसूरवार भरावो, जे पूरे मुल्क दे विच अज दलितां नूं मंदरां दे विच नहीं बड़न दिता जा रहा, दलित नूं घोड़ी चढ़न की मनाही है ब्याहां दे वेले, ब्याह वेले दलित बंदा घोड़ी नहीं चढ़ सकता। आ राजस्थान दे विच इक मुंडे रस करके कतल होया सीगा, क्योंकि उन्हें मुछां रख लिया, वह कहिंदे मुछां सिर्फ ते उच्च जाति दे लोग रख सकदे, दलित नहीं रख सकते। पंजाब दे विच क्यों आ, क्यों रुकिया होया, क्योंकि पंजाब दे विच हले इन्हां दा पूरा उन्हां दबदबा है नहीं हले, पर सानू भरावो जागण की लोड़ है। दूजी दुख की गल, बाबा करके गया जां होर बुलारे करके गए आ कि थां थां गुरद्वारे बना ले, आ मजहबी सिखां दा, रमदासियां दा, आ बालमीकियां दा गुरद्वारा, आ जट्टां दा गुरद्वारा, सारे थां थां पिंडां दे सेवे भी हैगे आ। मजहबी अड बंदा फूकदे आ, रमदास की अड फूकदे आ, जट जिमीदार अड फूकदे आ, फूकदे कि नहीं फूकदे बई। ये हुण मैं उदो के साहब बैठे आ ते होर जिहड़े कई इत्थे धार्मिक शख्सियतां भी बैठियां है, मैं एक थां पढ़िया कहिंदे भी पूरी दुनिया दे विच 60,000 गुरद्वारा है। मैं सोचण लग्या, मैं कहा 60,000 गुरद्वारा दा बना लिया, 60,000 सिख नहीं पैदा होया। आ जिहड़ी गल जात पात दी ऊच नीच दी बखरेवें दी गल धक्केशाहियां दे खिलाफ, तो गुरु नानक देव ने आके शुरू की सी उन्हां दे खिलाफ ये जंग, ते गुरु गोबिंद सिंह ने आके अखीर किया सीगा कि आम लोगों नूं किवें बराबर का हक दिता गया, किवें अज तुसीं देखो कि शूदर लोगों कोले ये गल की मनाही सी कि तुसीं कोई भी साडा धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, जे पढ़ोगे अखां नीला थोथा पाया जाऊगा, अखां कढ़ियां जाणगियां, जे सुनोगे थोड़े कन्नां दे विच छिक्का ढाल दिता जाऊगा। तो उन्हां समयां दे विच तुसीं अज देखो शुरुआत हुई है कि अज कोई भी शूद्र होवे, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का बंदा होवे, गुरु ग्रंथ साहिब नूं पढ़ सकदा है। ये पहल उत्थों हुई है, ये शुरुआत उत्थों हुई है। फिर जिहड़े दलित लोगों नूं, गरीब लोगों नूं, शूदरां नूं सिर चक्कण की आजादी नहीं सी, तां उदों ये नारे गजाए गए कि बोले सो निहाल दा, आपां नारा अज गजाउने आ तां सिर आपां उपर नूं बुलंद करके हवावां दे विच बाहां लार के आपां नारा गजाउने आ। यह सारी बराबरता की गल उदों कीती गई, पर समय समय दे भरावो इस गल का दुख लगेगा, मैं सारयां नूं नहीं इक्को जिहा कहिंदा, सारे नहीं इक्को जिहे हैगे, पर बहुत वड्डी गिणती दे विच जिहड़ा
जटबाद वाला किला धाण च वो इथों के लोगों च भी है। पंजे उंगलां इको जिहियां नहीं हुंदियां, वह सारियां च नहीं इको जे होए गए। जिवें पहले ही गल हुई है कि हिंदुआं सारे माड़े नहीं है, मुसलमाना सारे माड़े नहीं है, सिखां सारे माड़े नहीं है, जट्टां च जां किसानां च जां मजदूरां दलतां सारे माड़े नहीं है। सारे थोड़े थोड़ी कांग्यारी जिहड़ी हैगी आ। पिछले समय च आपां देखिआ कई पिंडां दे विच पंचायतां ने मते पाते, कई वार असीं इद्दू वध जिहड़ा झोने दी लवाई नहीं देनी, जे बाहर तुसीं किते जाओगे तां तुहाडा बाइकाट कीता जाऊगा। तां मैं एक गल सुणाउणा हुंदा, मैं कई बार सोचता हूं, मेरे दादे दे नाल, मेरे दादे दा नाम गुरदयाल सिंह सी, मेरे दादे नाल एक बंदा 27 साल श्री रह गया, 27 साल लगातार वह मजहबी सिख सी, 2 बारी सरपंच भी बनया, हुण जिउंदा बैठा मेरे पिंड च रहिंदा। वह मैं सोचिया, मैं क्या जे 27 साल जिहड़ी जमीन दे विच मेरे दादे दा मुड़का डुल्लिया, उस पैलियां ने उन्हां जमीनां ने सानू अज कोठियां वाले कारां वाले कीता, 27 साल उस दारा सिंह का भी मुड़का डुल्लिया। पर की उस दारा सिंह के हालात बदले? नहीं बदले। अज आप आम तौर पर गल देखते हैं, जे किसी हल्के दे विच कोई रिजर्व कोटे दे विच MLA हुंदा, MP हुंदा, आम लोगों की गल हुंदी है कि साडे दा यार दूजा साडे किहड़ा विकास हो जाऊगा। पिंडां दे विच सरपंच बन जाए, शहरां दे विच MC कोई दलित परिवार चो बन जाए, ताम ही गल हुंदी है साडे किहड़ा हो गया। हुण मैं शब्द कहना नहीं चाहुंदा कि साडे दा यार, मैं बोलना नहीं चाहुंदा शब्द, ये मैनूं चंगे नहीं लगते, क्योंकि मैनूं लगता कि शब्द बहुत ज्यादा। तो बड़ा समा आपां यार चीजां हंडाइयां ने, सीरियां पालियां दे कौले अड रखे जांदे सी, जांदे सी कि नहीं जांदे सी? हालात इत्थे साडे, मेरे अखी देखण दी गल है, मेरी 35-36 साल की उम्र आ, तो मेरे अखी देखण दीआं गल्लां ने। असी एक पासे कहने हैं कि असी गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्त हैं, असी बाबे नानक दे सिख हैं। जात पात ऊच नीच नूं खत्म करन वाला साडा फलसफा, साडी विचारधारा असी मन्नी किन्नी का? तां इह गल मैं इहनां नूं कहना चाहुंदा बैठियां शख्सीयतां नूं कि तुसीं धर्म खेत्र दे बंदे हो, यह गल भी सानूं अज करन दी लोड़ है कि जिहड़ियां चाला अज मनुस्मृति लिया के करन दीआं कोशिशां कर रहे ने, जात पात का वितकरा धक्केशाहियां लोकां नाल होणियां ने, तां उह इको एक चीज इन्हों काट करती है, वह गुरु ग्रंथ साहब का विचारधारा, उन्होंने वह फलसफा, उन्हों बधाने की लोड़ है, प्रचार की लोड़ है, लोगों अज गल लाने की लोड़ है। यार असी एक हैं, असी गुरु गोबिंद सिंह के पुत हैं, असी पंजाब के वासी हैं, असी जातां पातों वाले वाद च हैं। सो भरावो, ये गल का खास ख्याल रख्या करो, आने वाले समय के सानू इसे चक्कर दे विच उधरों खड़े हो गए भी भाई अपनी गल नूं समाप्त कर दे। चलो मैं समाप्त कर दा 2-4 मिंट दे विच, तां मैं इन्नी गल कहनी चाहूंगा कि आने वाले समय दे विच सानू जातां दे नां ते धर्म दे नां ते लड़ाया भी जाऊगा, उसमें पाड़ा ही पाउण दी कोशिश कीती जाऊगी, क्योंकि इन्हां दी नीति कोई इह है। हुण तुसीं मैनूं इक गल दा होर जवाब दिओ, बाबा बाल्मीक दीआं जिन्नियां फोटोआं ने, सारियां फोटोआं दे उत्ते मैं देखदा उहनां हाथ दे विच कलम है ते किताब हैगी कि नहीं है? देखिए ना फोटो, तुसीं भी देखिया होनी यार। ते साडे लोकां कोलों कलम ते किताब खोहण वाले कौन लोग ने? कदे सोचिया? अखीर दे उत्ते मैं गल करदा, आउण वाले समय सचेत रहो मेरा वीर, बहुत चालां हले चलियां जाणियां ने, बड़ा कुछ इत्थे होना है, क्योंकि इन्हां ने बुरी मिथी होई है कि पूरे मुल्क नूं हिंदू मुल्क बनाउणा है, हिंदू राष्ट्र बनाउणा है। मोहन भागवत दा दशहरे ते बयान आया सीगा, जिहड़ा RSS दा मुखी है नागपुर तों, कि 135 करोड़ के लोग पूरे भारत के हिंदू ने, सारे पूरे मुल्क नूं इक्को रंग च रंगण दीआं कोशिशां हो रही ने, इक्को धर्म, इक्को विधान, इक्को संविधान, इक्को ही बोली। आ बोली साडी पंजाबी मां बोली दी मैं गल करदा हुंदा, जान बुझ के साडी बोली नूं खत्म किया जा रहा है, असीं भी इहनां दे मगर लगे हुए हैं। राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, आप अपने लै लो इत्थों अपना चंडीगढ़, पंजाबी खत्म कर दिती गई, हुण पंजाब च लगे हुए है। चलो जिम्मेवार असीं भी लोग हैं, क्योंकि असीं किन्ना किस गल दे पहरा दिंदे हैं कि साडे जवाक साडे स्कूलां दे विच जिथे पढ़दे है कि उत्थे पंजाबी पढ़ाई जाती है?
ਕਿਹੋ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਕਈਆ ਨੇਡੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 2013 ਚ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਤਰਾ ਬਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ NCERT ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਸੁਣ ਲਿਓ ਉਹਨੇ 9 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 42,000 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ 9 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਵਾਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ ਇਹ 90% ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਇਹ 95 ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਰਬ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਾਰੇ RS ਦੇ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਹਵਨ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਵਾਕ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ ਯਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਹਿੰਦੀ ਅਰਬੀ ਉਰਦੂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਖੜੀ ਕਰੋ ਬਾਂਹ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੌਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੋਂ 90-95 ਲੈ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਈਲੈਟਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਆ ਦੁਆਬਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਰੀਕਾ ਜਰਮਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੋ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤਾ ਲਏ ਬੈਂਡ ਜੇ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਪਾਲੋ ਲਾਓ 20-25 ਲੱਖ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣਾ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚ ਆ ਜਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਪਰਚਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰਚਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਗਈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲੈਣਗੇ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜਵਾਕ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਾੜਾ ਕਬੀਲਾ ਹੋ ਜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਜੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਗਰ ਮਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਘਰੇ ਆ ਜਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਕ ਡਾ ਦੇਣਗੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਯਾਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਆ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਬੜਾ ਲਾਮਸ਼ਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਸਾਡਾ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿ 75% ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲ ਹੈ ਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਹਿਮਾਚਲੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਲਈ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਥਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰਤਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਰਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੋਣਾ ਆ ਟੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਟੋਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀ
कि भाई पंजाब दे लोकां दीआं 70-75% पहल पंजाबियां नूं होगी, बाकी बाद च होगी। यह भी लहर चलाउण दी लोड़ है, नाल नाल इत्थे आ भी लहर चलाउणी सानूं पैणी है। नहीं साडे वाले की करदे आ, नौकरी कोई मिलदी नहीं, रुजगार कोई मिलदा नहीं, बाहर जाया नहीं जांदा। हर इक दा थोड़ी बाहर जा वड़ूगा, जिहदे कोल 20-25 लख 50 लख उही बाहर जांदा है, उह वी कई वारी डिक्का डुक्का लगदा रहि जांदा है। जिहड़े फिर इत्थे रहिंदे ने उह नशियां दे राह पै जांदे ने, आ टीके ला ला मरी जांदे ने, इही ते चाहुंदे आ, क्योंकि जवानी साडे मूहरे अख चक्कण वाली होवे ही ना। सो भरावो गल्लां इह संजीदगी नाल लैयो, थोड़ियां जिहियां ऐ नहीं हैगियां कि यार कोई गल नहीं आए सी किसानां दे कट्ठ ते बावा आ गया, कनवर गरेवाल आ गया, उदो के आ गया, फलाना आ गया, धमका आ गया, सुनिया ए, फोटो कराया ए, बस आ साडा काम पूरा हो गया, असी किसानी अंदोलन दे विच भरावो साथ देता। 26-27 तरीक नूं दिल्ली वल कूच करना है, ऐ ना होवे सानूं कोई सद्दूगा सद्दा भेजूगा, जिवें भाई फगवाले ने दस्सिया सुखदेव ने कि सद्दे नहीं लगे। यार सद्दा लगन नूं इत्थे कोई ब्याह धरिया भी भाई साडे कोई मुंडे दा ब्याह जां छटी सीगी भाई तुसीं आओ सद्दा दिंदे आ, यह सारिआं दा फर्ज आ। जे असीं 300 मील तों इत्थे तुहाडे कोल चल के आए हैं, असीं कोई किसे दा सान नहीं करन आए, भी तुहाडे सान करन आए फगवाड़े दे विच। हर बंदे दा फर्ज बनता है कि यार इह पंजाब मेरा है, इह पंजाबीअत नूं मैं बचाउणा है, किसानी नूं मैं बचाउणा है, मेरी मिट्टी है, मेरी धरती, मेरी मां, इहनूं मैं बचाउणा है। उहदे दिल्ली वाले दा ना सोची जाइओ कि कोई जथेबंदी वाला कहूगा, कोई कलाकार कहूगा, कोई सीगा बन गया तां चलांगे, कोई संघ बन गया ना, ओदे आपे आप घरों निकल पियो भरावो, ते मां नूं कह के जायो घरे जां घरवाली नूं वी साडे आउण ते आटा गुन्नी, मत्था हुण ऐ लाउणा पैणा, ऐ गल गुजारा होणा नहीं जे असीं सोचांगे, क्योंकि बहुत बुरी मिथी बैठे आ, बहुत ही बुरी मिथी बैठे आ पंजाब लई। आ तुसीं देख लो पंजाब दा मुख्यमंत्री जांदा राष्ट्रपति मिलदा तक नहीं, जथेबंदियां वाले जांदे आ जलील करके मोड़े जांदे आ, आ बीजेपी वाले रौला पाई जांदे आ जी, आ देखो जी रेलां रोकियां होईयां लीहां इन्हां ने। जदों किसानां ने कहता भी भाई कोई रेलवे ट्रैक असीं नहीं रोकांगे जिहड़ा माल गड्डियां वाला है, माल गड्डियां लियाओ, पर जिहड़ियां यात्रियां वालियां गड्डियां यात्रुआं वालियां उह असीं रोकांगे। इह कहिंदे नहीं शर्ते रखी है, कहिंदे तुसीं उह वी उठो जिहड़ियां यात्रियां वालियां गड्डियां उह वी चलाओ ते फिर असीं माल गड्डियां भेजांगे। उही गल आ गई जिवें पहलां बोली है कि लोकां नूं पाड़ दिओ, शहरी वर्ग व्यापारी वर्ग जिहड़ा दुकानदार है जिन्हें आह दिनां तिहारां च कमाई करनी है वह इहदे पासे हो जाए भी आह देखो किसानां ने नवां पंगा पाता यार। सो मेरा वीर समझो यार, लड़ाई बहुत लंबी जाऊगी, गल का ख्याल रखियो, पर मैं समझदा कि जिवें जिवें लड़ाई लंबी जाऊगी उवें उवें पंजाब अपने आप नूं तैयार कर रहा है, पंजाब की जवानी उवें उवें तैयार हो रही है कि किवें असीं इस फासीवादी हुकूमत दे नाल तानाशाही हुकूमत दे नाल अभी टक्कर किवें लैनी है। और देखो बेचारे कश्मीरियां दे हाल, एक पासे कहा जांदा कि साडे मुल्क दा टुट अंग है कश्मीर, पर 90-95 लाख बंदा अज ताड़िया नूं 1.5 साल हो गया अंदर, खुली जेल बनिया होया कश्मीर, कोई नैट का प्रबंध नहीं, कोई पढ़ाई का नहीं, कोई सेहत का प्रबंध नहीं, कोई डॉक्टरों का प्रबंध नहीं, जो कोई बुजुर्ग बीमारी ना मर रहा तो मर रहा है, किसी औरत को बच्चा होने वाला है तो उत्थे कोई दवाई का कोई हस्पताल का प्रबंध नहीं है, हो सकता बच्चे बेचारी जिहड़ी जनानी है दे बच्चे बच्चा उहदे पेट दे विच मर जाए, क्योंकि जिहड़ा मीडिया आपां देख रहे हैं वह दिखा ही कख नहीं रहा। आ किन्ना दा पत्रकार आ जिहड़ा किन्ना जिहड़ा भौंकदा हुंदा सी, किहड़ा गोस्वामी उह हुण फड़ लिया, फड़िया जाणा ही चाहीदा, उहने उकसाया किसी नूं खुदकुशी करन लई उकसाउणा बहुत वड्डा अपराध है, वह जो फड़िया गया हुण उहदे हक दे विच खड़े ने कि देखो जी डेमोक्रेंसी है जी, लोकतंत्र है जी, मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंभा है जी, इहदे हमला होया जी प्रेस से, पर तुसीं देखो जदों हाथ रस दे विच घटना वापरी ना यूपी दे विच, एक दलित बच्ची नाल बलात्कार करके रीढ़ की हड्डी कट्टी गई, जी वड्डी गई, रात नूं उहनूं संस्कार उहनूं फूक दिता गया, कित्थे उहनूं साफ मिलिया, उहदी कवरेज करन लई 3 पत्रकार गए सी, 3 पत्रकार की कवरेज करन लई पूरी खबर की खबर बनाउण दी सारे घटना की, 3 पत्रकार दा यूएपीए लाया गया। देखो हालात देखो कहे जे हो रहे ने मुल्क दे, यार बोलण दी आजादी है नहीं सोनू, जिहड़ा बंदा जे इस लोकां नूं जगाउंदा है, अज 200 बंदा इस मुल्क दा जिस बुद्धिजीवी ने प्रोफेसर ने लिखारी ने वकील ने उहनां दे यूएपीए ते एनएसए लग्गिया होया जेलां च बंद है, वह कोई 1K47 नहीं लई फिरदे, वह कोई देश नहीं तोड़ रहे, वह सिर्फ अपने लोगों जगाउंदे ने, जुल्मां दे खिलाफ जगाउंदे है,
बोलने की आजादी पंजाब चो भी खोई जानी है। याद रखियो आने वाले समय के बच्चा जो हालात कश्मीर के बने ने ऐदू माड़े हालात इन्होंने पंजाब के बनाने है, गल याद रखियो मेरी। मैं दो साल पहले कहता सी कश्मीर तो बाद अगला नंबर पंजाब का है, वह आ गया, वह लग्या होया नंबर है, पर उसके लिए असी तैयार किवें रहना, अपने आप को लड़ने लिए किवें समर्पित करना है, ये उही गल फिर बार बार हुई किसी के कहने आना नहीं। अंदरों सोडे एक अग होनी चाहिए है, एक जज्बा जनून होना चाहिए, एक प्यार मुहब्बत होना चाहिए इस पंजाब लई पंजाबीयत लई कि नहीं असी लड़ांगे अगे होके। फिर यह बचना जे असी घर बढ़ के बैठ गए तो भुलेखे च ना रह जाओ, घर च भी बढ़ के अगले ने बैठ नहीं देने, घर चो कढ लैणगे अगले, क्योंकि यह बड़ी भैड़ी प्लैनिंग दे नाल चले हुए 100 साल हो गया, हौली 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 जड़ा दाती पाउंदे 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 इत्थों तक इत्थे आ गए। सो भरावो बस इनिया कि मेरिया बेनती सोनू 26-27 तरीक नूं दिल्ली का प्रोग्राम है, हाथ खड़े करो भी किन्ने जाओगे, देख के जे करते कई तो कर ही नहीं रहे बेचारे। ये इतिहास लिखा जा रहा इतिहास, क्योंकि कोई भी जो संघर्ष चलते ने उन्हों का एक एक दिन एक एक पल एक एक घड़ी का इतिहास लिखा जाता है। तो इतिहास जोड़ा है वो थोड़े जिक्र होने ने कि फगवाड़ा जलंधर पटियाला लुधियाना कपूरथला बठिंडा अमृतसर संगरूर मानसा ये जोड़े जिले से इन्होंने लोग से उन्होंने की योगदान पाया, गदारा ने किड़िया गदारियां कीतियां भी लिखा जाता होंगे। तो इतिहास का हिस्सा बन रहे हो, लड़ाई का हिस्सा बन रहे हो, लड़ाई लड़ूगा पंजाब, इस कोई दो रामा नहीं, कोई शक नहीं हैगी, क्योंकि लड़ाई पंजाब पहला भी लड़ता आया, एडे एडे घलूकारे होए, एडे एडे हमले होए, कतलेआम होए, पर पंजाब फिर भी दुगुना चौगुना होकर उठ के खड़ा होया, कदे पंजाब दबिया नहीं, कदे पंजाब झुकया नहीं बड़े टुके तो भी, पर हुण पंजाब नूं फिर एक परख की घड़ी आ गई है पंजाब दे लई, ते असीं अपने आप नूं साबित करना है कि मोदी चाहे मोदी होवे चाहे आरएसएस होवे कि यह पंजाब है, यह यूपी नहीं हैगा, यह बिहार नहीं हैगा। इहदे हाथ अगे पहला मुगलां ने अंग्रेजां ने भी देखे ने, ते हाथ तैनू भी दिखाउणगे, पर उहदे लई भरावो एक रणनीति दी लोड़ हुंदी है, एक सोच एक समझ की लोड़ हुंदी है। बहुत इस तरह दीआं चालां भी चलणगे, कोई हिंसक कार्रवाई करा दित्ती जावे, कोई इस संघर्ष नूं होर रूप दित्ता दे दित्ता जावे, ये गल्लां मैं पहला भी समझाइया हुण भी सोच लियो, ये बड़ा कुछ प्रापे गंडा बड़े हथकंडे इन्होंने बनाने हैं, असी सचेत रहना है क्योंकि बहुत वधिया तरीके नाल संघर्ष चल रहा है, तो दबाव बहुत वड्डा बनिया होया है जी, गल नहीं हैगी। जिहड़े कहिंदे आ की हो जूगा यार मोदी का पिछे नहीं हटदा यार, उहदा एनआरसी सीए ते नहीं पिछे हटिया, 370 ते नहीं पिछे हटिया, जम्मू कश्मीर ड्यूटी बनाता पिछे नहीं हटिया, ये भुलेखा है। असल वाह हुण पिया पंजाबियां नाल, सानू साबित करना पैना है कि असी बाबा बंदा सिंह बहादुर दे हरी सिंह नलूए दी अंश वंश है, उन्हां दा खून है साडे च, असी गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्त आ, इह हुण साबित करन दी लोड़ आ। धन्नवाद सारिआं दा, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हुण आपां दोख नारे जिहड़े पूरे जोश दे नाल पूरी आवाज़ नूं बुलंद करके हथ अपने हवा च तणे होने चाहीदे आ, पता लग जे जिहड़ा कोई संगी टोला आले दुआले फिरदा होणा है कि हां भी फगवाड़े दे विच भी गूंज पै गई आ। बले सोनिहाल सत श्री अकाल, बले सोनिहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी की बहुत धन्यवाद लखे वीर दा, ये शब्द नहीं जज्बात।